स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय चैनल एसआरके ऑल इन वन क्लासेस। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है। फ्यूचर मतलब हम फ्यूचर टेंस में आने वाले समय की बात करते हैं, ठीक है। जैसे नेक्स्ट डे, टुमारो, ठीक है, इस तरह के वर्ड का हम फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं जनरली। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस, ओके, जिसको हम फ्यूचर सिंपल टेंस भी कहते हैं। अब सबसे पहले हम जानेंगे इसकी आइडेंटिफिकेशन कि किस तरह से हम इस टेंस को पहचानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस या फिर फ्यूचर सिंपल टेंस। ओके, अब आप ध्यान से सुनिएगा। अगर मेन वर्ब के एंड में, ठीक है, मेन वर्ब के एंड में गा गे घी का यूज होता है, वहां पे हम फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस का यूज करते हैं। ओके, फ्यूचर टेंस प्लस गा गे गी। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल जाऊंगा, ठीक है, वह खाना खाएगी। तो इन सेंटेंस में क्या आ रहा है, जो वर्ब है, जाना क्या है, वर्ब है, उसके एंड में क्या आ रहा है, गा गे और घी का यूज हो रहा है, ठीक है। तो मेन वर्ब के एंड में गा गे घी का यूज होता है, तो ये आइडेंटिफिकेशन है आपकी फ्यूचर सिंपल टेंस की, ठीक है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से इन सेंटेंस को बनाते हैं और किस तरह से हम फॉर्मूले का यूज करके इन सेंटेंस को बना सकते हैं। ओके, अब जिस तरह से अगर सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका क्या फॉर्मूला होता है वो हम देखेंगे। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स पॉजिटिव या फिर सिंपल सेंटेंस जिनमें कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है और कहीं पे भी नॉट का यूज नहीं होता है, ठीक है, ऐसे सेंटेंस को कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अब क्या फॉर्मूला यूज होता है वो आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले लगता है सब्जेक्ट, जैसा कि हर टेंस में हम देख रहे हैं सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, तो सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट प्लस। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगती है विल, ठीक है, कोई ज्यादा ट्रिकी नहीं है, इसमें कोई भी ज्यादा रूल नहीं है, बस आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है और आप इजीली सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको दिमाग में बिठाना है कि प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर टेंस में हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का ये फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब विल, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो हमेशा लगेगा विल, ओके, या फिर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, सभी के साथ लगेगा विल, ओके। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है विल, ओके। ये याद रखने के बाद हम जाते हैं सेंटेंस के ऊपर। जितने सेंटेंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा आपके आपकी प्रैक्टिस होगी। आपको एक्सरसाइज करनी है, इससे रिलेटेड सेंटेंस बनाने हैं और आपको इस फॉर्मूले को यूज करके उनको उस सेंटेंस में पुट करना है। अब मैं एक सेंटेंस बनाती हूँ कि वह स्कूल जाएगा, ठीक है, मेरा सेंटेंस है वह स्कूल जाएगा, ठीक है। सेंटेंस से आप पहचान रहे हैं कि ये कौन सा टेंस है, कौन सा है, ये है फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस, क्योंकि यहाँ मेन वर्ब के एंड में गा का यूज हुआ है। अब मैं इसको बनाती हूँ, वह क्या है, सब्जेक्ट, तो मैंने लिखा ही। अब ही के बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, तो मैंने लगाया ही विल। जाने को क्या बोलते हैं, गो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो ही है, तो ही विल गो। कहाँ जाएगा, स्कूल, तो टू स्कूल। सिंपल, टू क्या है, प्रीपोजिशन है, तो सिंपल सा सेंटेंस है। जिस तरह से मेरा फॉर्मूला वर्क कर रहा है उसी तरह से मेरा सेंटेंस बन रहा है, ही विल गो टू स्कूल, ठीक है। इसी तरह से एक सेंटेंस और आप बना सकते हैं, जैसे आप जनरली बोलते हैं कि मैं कल से ये करूंगा, मैं कल से एक्सरसाइज करूंगा, है ना, तो ये भी सेंटेंस कौन सा हो गया, फ्यूचर टेंस में हो गया। तो अपन एक सेंटेंस बनाते हैं, मैं कल से एक्सरसाइज करूंगा, ठीक है, क्या करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा,
कौन सा टेंस है? ये भी कौन सा है? फ्यूचर सिंपल टेंस है। अब मैं क्या है? सब्जेक्ट आई, आई के साथ आता है विल, हेल्पिंग वर्ब आई विल, करना डू। ओके, फर्स्ट फॉर्म क्या है? डू ही होती है, तो आई विल डू एक्सरसाइज। कब से करूंगा? कल से, आने वाले समय की मैं बात कर रही हूं, तो मैं लिख देती हूँ फ्रॉम टुमारो। ठीक है, इस तरह के जनरली हम सेंटेंस यूज करते हैं कि मैं कल से पढ़ाई करूंगा, मैं कल सुबह जल्दी उठूंगा। ठीक है, तो ये सारे सेंटेंस हम बनाते हैं फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस में। तो उनके साथ क्या लगेगा? हमेशा कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हमको विल लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है और बिल्कुल कहीं भी कोई ट्रिक नहीं है, कहीं पे भी आपको कोई रूल्स याद नहीं रखने हैं इसके अंदर। तो आप सिंपली ये बना सकते हैं, ही विल गो टू स्कूल, आई विल डू एक्सरसाइज फ्रॉम टुमारो। एक जैसे एक और सेंटेंस मैंने बनाया कि मैं खेलूंगा। ठीक है, आपने सिंपल सा सेंटेंस बनाया, मैं खेलूंगा या फिर वे खेलेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे का यूज करती हूँ, दे विल प्ले। ठीक है, वे खेलेंगे, तो ये भी आपका राइट है। तो इस तरह से आप और भी सेंटेंस को यूज करके सेंटेंस बनाएंगे, दे विल प्ले। क्लियर? तो आई थिंक आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया है और इससे रिलेटेड आप और भी 10, 15, 20 सेंटेंस बनाइए और एक्सरसाइज में फॉर्मूले में पुट करिए। ओके, अब नेक्स्ट है, हमने पढ़ा है अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो अब क्या फॉर्मूला होगा वो हम देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। मैंने बताया नेगेटिव मतलब जिसमें नॉट का यूज होता है। ठीक है, अब सेंटेंस नेगेटिव है तो फॉर्मूला रहेगा सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे हम? सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, कोई चेंजेस नहीं होगा, सब्जेक्ट प्लस विल, प्लस विल के बाद जैसा कि अभी तक हमने पास्ट टेंस पढ़ लिया, प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया, तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया है कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज होता है। तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब हम उन्हीं सेंटेंस को जो हमने अफर्मेटिव में यूज किए थे उनको मैं बनाऊंगी नेगेटिव में। ठीक है, अभी मैंने बोला है कि वह स्कूल जाएगा, नेगेटिव में मैं क्या बोलूंगी? वह स्कूल नहीं जाएगा, तो मैं क्या लिखूंगी? ही के बाद विल, विल के बाद हम लगा देंगे नॉट, तो ही विल नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, तो ही विल नॉट गो टू स्कूल। क्लियर? मैं नहीं खेलूंगा, मैंने लिखा था आई विल प्ले, अब मैं क्या लिखूंगी? आई विल नॉट प्ले। इजी है, बहुत ही इजी है, फ्यूचर टेंस सबसे इजी है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा आपको रूल्स लर्न नहीं करने हैं, सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी और कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, या फिर कोई सा भी पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सबके साथ हमको विल का यूज करना है। क्लियर? आई विल नॉट प्ले। अब मैंने इधर लिखा था आई विल डू एक्सरसाइज फ्रॉम टुमारो, मैं कल से एक्सरसाइज करूंगा। अब मैं बोल रही हूँ कि मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा, तो आई विल नॉट क्या आ जाएगा? आई विल नॉट डू एक्सरसाइज। मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगा। ठीक है, एक सेंटेंस में बनाती हूँ, वह या फिर वह ट्यूशन नहीं जाएगी, तो मैं लिखती हूँ शी विल नॉट गो टू ट्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से आपने फॉर्मूले का यूज करके इजीली सेंटेंस को बना दिया। आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न करने हैं ताकि आपको कोई भी, जब भी आप सेंटेंस बनाए तो आपकी कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं हो। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया, अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिनमें हम क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं डब्ल्यू एच फैमिली से रिलेटेड और दूसरे होते हैं हेल्पिंग वर्ब वाले, जिस एक होता है जिसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं और दूसरे होते हैं जिनका कोई हम आंसर देते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव।
interrogative. इंट्रोगेटिव जिसमें हम क्वेश्चन बनाएंगे. अब ये भी फॉर्मूला क्या होगा, हमेशा इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस बनेगा तो हम उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं. तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल. तो सबसे पहले हम फॉर्मूले में लगाएंगे विल. ओके, सबसे पहले फॉर्मूले में यूज होगा हमारा विल. तो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करी है विल. ओके, विल के बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट. तो विल प्लस सब्जेक्ट. ओके, प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सिंपल फॉर्मूला है और सिंपल सा आप इजीली प्लस क्वेश्चन मार्क ये फॉर्मूले को यूज करके आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इजीली बना सकते हैं. अब इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस है, इसी में आपको मैं बता देती हूँ. अगर सेंटेंस इंट्रो नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होता है. क्लियर? अगर इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होगा, और ओनली इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अगर क्वेश्चन डब्ल्यू एच से रिलेटेड है तो विल के पहले लग जाता है डब्ल्यू एच. ओके, ये आपको ध्यान रखना है. डब्ल्यू एच पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा. ठीक है, अब हम एक सेंटेंस बनाएंगे, ही विल नॉट गो टू स्कूल, या फिर मैंने बनाया था ही विल गो टू स्कूल. अब मेरा क्वेश्चन मैं पूछूंगी क्या वह स्कूल जाएगा. क्वेश्चन क्या होगा, क्या वह स्कूल जाएगा. तो इसका आंसर कैसा होगा, हाँ, यस या फिर नो. तो मैंने क्वेश्चन पहले मैं क्वेश्चन बनाती हूँ, क्या वह स्कूल जाएगा. तो मैंने पहले हेल्पिंग वर्ब यूज की विल. ओके, विल के बाद सब्जेक्ट विल ही, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो विल ही गो टू स्कूल. क्वेश्चन क्या हो गया, विल ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाएगा. अब मैं आपको एक डब्ल्यू एच से भी बता देती हूँ. अब एक क्वेश्चन अगर पूछा मैंने कि वह कहाँ जाएगा, अगर मैंने क्वेश्चन पूछा वह कहाँ जाएगा, तो आपका जवाब क्या होगा, वह स्कूल जाएगा. ठीक है, तो मतलब इसमें मैंने कुछ आंसर दिया है आपको कि वह स्कूल जाएगा, और यहाँ पे मैंने ओनली यस और नो में आपको आंसर दिया. अगर क्वेश्चन वह कहाँ जाएगा, कहाँ को क्या बोलते हैं, डब्ल्यू एच वेयर, तो वेयर से वेयर के बाद एस इट इज, जैसा फॉर्मूला हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज किया है वो को हम डब्ल्यू एच में यूज करेंगे. तो वेयर विल ही गो, अब आंसर क्या आ जाएगा हमारा, स्कूल. ही विल गो टू स्कूल, तो वेयर विल ही गो. क्लियर? तो आपको समझ में आ गया है. एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने फ्यूचर टेंस पढ़ा. फ्यूचर टेंस में हमने फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस पढ़ा. इनडेफिनेट टेंस में मेन वर्ब के साथ में गा गे गी का यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हमारा फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब मैंने कुछ सेंटेंस बनाए हैं, वह स्कूल जाएगा, ही इज अ सब्जेक्ट और विल इज अ हेल्पिंग वर्ब. सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, या फिर कोई सा भी पर्सन हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, ये सब चीजें भी मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या है, सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, सब चीजें मैंने क्लियर की है. तो ही विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की थ्री फॉर्म्स होती है, प्रेजेंट पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. तो ही विल गो टू स्कूल. आई विल डू एक्सरसाइज फ्रॉम टुमारो, मैं कल से एक्सरसाइज करूंगा. ओके, मैं कल ऑफिस जाऊंगा. ठीक है, तो दे विल प्ले, वे खेलेंगे. तो इस तरह के सेंटेंस आते हैं हमारे अफर्मेटिव में. अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो विल के बाद नॉट का यूज होगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इन्हीं सेंटेंस को मैंने नेगेटिव में चेंज किया, ही विल नॉट गो टू स्कूल, आई विल नॉट प्ले, आई विल नॉट डू एक्सरसाइज. क्लियर? शी विल नॉट गो टू ट्यूशन. फिर मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिया. इंट्रोगेटिव मैंने आपको बताया टू टाइप्स के होते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली के क्वेश्चन और दूसरे होते हैं हेल्पिंग वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन.
अगर क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से होगा तो सबसे पहले विल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो विल ही गो टू स्कूल। वह स्कूल कहाँ जाएगा? डब्ल्यू एच से रिलेटेड है, तो वेयर विल ही गो। क्लियर? एक सेंटेंस और बना लेते हैं। आई विल नॉट प्ले, विल आई। क्या क्वेश्चन क्या बनेगा मेरा? विल आई सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आ गया हमारा प्ले। विल आई प्ले, क्या मैं खेलूंगी? विल आई प्ले। वह मैं क्या खेलूंगी, ऐसा भी मैं कोई पूछ सकता है, तो आ जाएगा व्हाट, है ना? क्या को क्या बोलते हैं? व्हाट, तो व्हाट विल आई प्ले। क्लियर? इसको हम बना सकते हैं, डब्ल्यू एच से क्वेश्चन रिस्टार्ट होगा, तो व्हाट विल आई प्ले, तो मैं क्या लिखूंगी इसमें? आई प्ले या फिर आई विल प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलूंगी। क्लियर? और यहां मेरा आंसर क्या होगा? यस आई विल प्ले, यस मैं खेलूंगी। तो क्वेश्चन के दो टाइप्स हो गए, एक तो डब्ल्यू एच से रिलेटेड हो गया, दूसरा हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड। ओके, अगर यही क्वेश्चन नेगेटिव में आता है तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, तो विल ही गो टू स्कूल, तो इसमें आ जाएगा विल, विल के बाद सब्जेक्ट, विल ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जाएगी? यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, विल अगर क्वेश्चन इंट्रो नेगेटिव में हो तो विल ही सब्जेक्ट के बाद आता है नॉट, तो विल ही नॉट गो टू स्कूल। क्लियर? तो इस तरह से आपको ये टेंस बहुत इजी है, और इस तरह से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू।